तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं यहां पर फैन कोड ईसीएस टी10 काइप्रस लीग का 73वां और 74वां मैच, जो कि खेला जाएगा काइप्रस ईगल्स वर्सेस श्रीलंकन लॉयंस के बीच में। और बात करें भाई डेट एंड टाइमिंग की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 24 और 25 अक्टूबर को ये मैच खेला जाएगा, यानी कि भाई आज, वैसे तो भाई ये दोनों मैचेज है ना आज ही रात को खेले जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पहला मैच रात को 9:30 पर खेला जाएगा, दूसरा मैच भाई 12 बजे खेला जाएगा रात को, लेकिन 12 बजे नेक्स्ट डेट लग जाती है, इसीलिए भाई मैंने दो डेट मैंशन की हुई है यहाँ पर। और अगर भाई यहाँ पर बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू आप देख सकते हो अप्सोनास क्रिकेट ग्राउंड लीमासोल का वेन्यू रहने वाला है। और भाई ये जो स्टैट्स है ना, ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप देखो 120 मैचेज टोटल टी10 के इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं। ठीक है, और भाई अगर बात बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम की, तो उन्होंने भाई 70 मैचेस विन किए और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 50 मैचेस विन किए। इनमें भाई जो कल के दो मैच हुए थे उनका भी रिजल्ट शामिल है। ठीक है, और भाई मतलब ये जो फैन कोड ईसीएस टी10 काइप्रस लीग है, ये हमारे लिए बिल्कुल सुपर से भी ऊपर जैकपॉट साबित हुई है अभी तक के लिए। एक दो मैचेस को छोड़ दो तो इसके अलावा मतलब हमारा बिल्कुल भी लॉस इसमें नहीं हुआ है, एकदम प्रॉफिटेबल लीग ही हमारे लिए जा रही है। और ये मान लो इसकी अगर बात करें 60 से 70% मैचेस, तो वो तो भाई हमारे लिए जैकपॉट रहे, मतलब बिल्कुल जिसमें हमने एक भी कॉन्टेस्ट लॉस नहीं किया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं काफी अच्छी लीग हमारे लिए रही है। और क्यों रही है भाई ये लीग, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो भाई आर्टिफिशियल मैट फॉर्मेट पिच है, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाली है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, और अगर भाई यहाँ पर बात करें देखो विनिंग प्रिडिक्शन की, तो विनिंग प्रिडिक्शन मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे देख सकते हो, आप मतलब आपको यहाँ पर मतलब जो भी टीम पहले टॉस जीत कर, मतलब पहले देखो ज़्यादा चांसेस अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम की है। बाकी यहाँ पर अगर देखें, अगर मान लो जो रिकॉर्ड और स्टैट्स हैं उनकी अगर बात करें, तो भाई यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतती ना उसके मैच विन करने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखना। और अगर बात करें वेदर रिपोर्ट की, तो आप देख सकते हो पार्शली क्लाउडी रहेगा, बट बारिश के चांसेज बिल्कुल भी नहीं लग रहे। एवरेज स्कोर आपको भाई यहाँ पर 80 से 100 के बीच देखने को मिल जाएगा, यानी कि या तो आपको 80 से ऊपर या फिर 100 से 100 के आसपास, यानी कि 100 के आसपास का मतलब भाई 110 तक का होता है, मतलब 110 तक का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें भाई यहाँ पर मतलब टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ क्या रीज़न है। तो पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर लेके चलना पड़ेगा, उसके बाद भाई आपको रीज़न समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो जो कल रात के जो मैचेज हुए थे टी10 के, वो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये भाई देख सकते हो, और भाई कल रात के जो हमारे मैचेज हुए थे ना, उसमें जो हमारी विनिंग हुई थी वो आप यहाँ पे देखो, ये भाई हमारे कल की विनिंग रही है, जो रात को टी10 मैचेज हुए थे, ये काइप्रस लीग के दो मैचेज, उनमें भाई ये हमारी विनिंग रही है। ठीक है, दूसरे मैच के स्क्रीनशॉट मैं सेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं टीम देते ही सो गया था। ठीक है, और भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना क्यों जरूरी, क्योंकि भाई आपसे आप देख सकते हो जो मतलब ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर है ना, ये आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। साथ ही भाई जो भी चेंजेज होते हैं, जैसे आप यहाँ से चेक कर सकते हो जो भी चेंजेज होते हैं भाई, वो सारे आपको मैं बता देता हूँ। जैसे जिस जो भी मैच होता है और उसमें जो भी चेंजेज होते हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, आपको एक एक चेंजेज मैं आपको बता देता हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। और सबसे बड़ी बात भाई वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि अगर अभी तक आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन भाई अगर आप यहाँ पर वीडियो स्किप करते हो ना, तो भाई आपका लॉस हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर बात करें भाई श्रीलंका की लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो आप श्रीलंकन लॉयंस की, भाई श्रीलंका तो यार मैच चल रहा है उनका, श्रीलंका और बांग्लादेश का, तो इसीलिए मतलब जुबान से निकल गया। श्रीलंकन लॉयंस की बात करें, तो आप देख सकते हो इनके लास्ट दो मैचेज की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस मैं आपके लिए निकाल कर लेके आया हूं। तो यहां से अगर बात कर भाई सचित्रा थरंगा की, तो लास्ट के 4 मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई है, इसके अलावा पहले काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी। लेकिन एक चीज काफी अच्छी लगी कि बैटिंग ऑर्डर इनका सेम रह रहा है, बैटिंग ऑर्डर भाई इनका मतलब जो टॉप ऑर्डर में खेलते थे तो टॉप ऑर्डर में ही खेल रहे हैं। और टी10 में भाई मतलब इतना अच्छा रिकॉर्ड बैटिंग ऑर्डर के नंबर पर मतलब मेरे हिसाब से किसी का नहीं है जितना भाई सचित्रा थरंगा का है। लगातार इसको ओपनिंग मिल रही है, बाकी कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसको लगातार टी10 मैचेज में ओपनिंग मिलती हो। चमल सदुन की बात करें, तो लास्ट के 2 मैच काफी अच्छे रहे, और 2 मैच क्या भाई पूरी सीरीज इनके लिए काफी अच्छी रही है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस होने वाले आपके लिए स्मॉल लीग में, साथ ही ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट प्लेयर ही आपके लिए हमेशा ही रहते हैं। और अगर बात करें भाई सचित्रा पथिराना की, तो ये टीम के कैप्टन है। इस मैच में भाई इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई, अदरवाइज कभी कभी एक मतलब एक ओवर या कभी कभी 2 ओवर भी बॉलिंग के डाल देते हैं।
बीएनसीएस कुमार की बात करें तो इनका भाई देखो बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया गया, पहले ये भी ओपनिंग में आ रहा था लेकिन भाई अब इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया गया है, तो ठीक ठाक प्लेयर आपके लिए रहने वाला है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते हो। रोशन श्रीवर्धना की बात करें तो भाई ये कल का दोनों मैच इनके लिए जैकपॉट रहे थे, जो लास्ट मैच इन्होंने खेले थे ये बिल्कुल जैकपॉट रहे थे, आप देख सकते हो इन्होंने पहले मैच में तो 16 रन बनाए प्लस 3 विकेट निकाले, दूसरे मैच में आप देख सकते हो 27 रन बनाए प्लस भाई यहाँ से 27 रन के साथ 2 विकेट निकाले, तो दोनों मैचेस में एकदम जैकपॉट परफॉर्मेंस है, दोनों मैचेस में 100 के आसपास पॉइंट दे रखे इसने, पहले मैच में तो 100 प्लस पॉइंट दिए, दूसरे मैच में 100 के आसपास पॉइंट है। कमल रियाज की बात करें तो आप देख सकते हो लास्ट के अगर 2 मैचेस की बात करें तो 3 विकेट कमल रियाज ने भी आपको निकाल के दिए, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है। अगर बात करें रुवान मनवा सिंगा की तो इन्होंने भाई 2 मैच में मतलब 2 विकेट निकाले, पहले मैच में विकेट लेस रहे, दूसरे मैच में 2 विकेट निकाला। दिनेश मेंडिस की बात करें तो इनकी बैटिंग बॉलिंग आई नहीं, ना ही भाई केसान वाक्का की बैटिंग बॉलिंग आई, तो इन दोनों की बैटिंग बॉलिंग एक भी मैच में नहीं आई, हालांकि दोनों मैच की प्लेइंग 11 में ये प्लेयर खेल रहे थे। अगर बात करें स्मिथ मपालगामा की तो लास्ट के 2 मैच इनके लिए भी कुछ खास नहीं रहे, अदरवाइज भाई हर मैच में 2-3 विकेट निकाल रहे थे, लेकिन अब यहां पर बात करें तो 2 मैच में 1 विकेट निकाला, ठीक है। दमित प्रियंता की बात करें तो भाई पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं, दूसरे मैच में 1 ओवर गेंदबाजी में विकेट लेस रहे और दूसरे मतलब 2 रन भी बनाए, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब इसकी श्रीलंकन लॉयंस की परफॉर्मेंस रही है। अभी यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से भाई एक बार आप देखो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, सचित्रा थरंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और चमल सदुन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सचित्रा पथिराना ठीक ठाक प्लेयर है, अपने रिस्क पर खेलना। बीएलसीएस कुमार आप अपने रिस्क पर, यहाँ पर रोशन श्रीवर्धना इंपॉर्टेंट है, कमल रियाज इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भाई अगर बात करें रुवान मनवा सिंगा तो इन्हें आप अपने रिस्क पर लेना। दिनेश मेंडिस केशवम सनो का ठीक ठाक प्लेयर है, एज ए मतलब प्लेयर ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल मत बनाना, और समय थमापालगामा काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो ये भाई प्लेयर यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं भाई यहां पर कैप्रेस ईगल्स के लास्ट के 2 मैचेस की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो जवाद शाह भाई वापस आ चुके हैं टीम में और वापस आते भाई धमाका कर रहे, बीच में इंजर्ड हो गए थे एक मैच में इन्हें, मतलब इनकी हैमस्ट्रिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लेकिन खिंचाव ही था, कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं, तो 1 वीक के रेस्ट के बाद भाई ये वापस आ गए, तो दोनों मैचेस में आप इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, ठीक है। श्रीनिवास अंगेरकाला की बात करें तो पहले मैच में फ्लॉप रहे, दूसरे मैच में फ्लॉप रहे, आप देख सकते हो, बाकी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर ओपनिंग में आ रहा था और ऑलराउंडर है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में से एक होने वाला है, और साथ ही भाई ओपनिंग कर रही है मतलब इसका प्लस पॉइंट ये भी है। और अगर भाई बात करें उमर शाह की तो दूसरे मैच में भाई ओपनिंग उमर शाह ने की थी और भाई दोनों मैचेस में 2-2 विकेट बंदे ने निकाली है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर यह हो जाता है, यहां से भाई बॉलिंग में पॉइंट दे रहा है, साथ ही बैटिंग में अगर भी मतलब पहले मैच में भी इतने ज्यादा नीचे बैटिंग इसने नहीं की लेकिन भाई मतलब वैसे अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और ये भी भाई इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं तो इनकी मतलब फॉर्म थोड़ी अब ठीक होने लग गई है। बात करें राजशेखर पोलोरी की तो भाई ये भी इंजरी के साथ खेल रहे हैं, अभी नहीं इंजरी है लेकिन भाई ये अभी मतलब इनके जो नीचे एंकल है उसमें इंजरी है लेकिन फिर भी भाई ये लगातार खेल रहे हैं और ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नासिर अहमद की बात करें तो भाई ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, हिट एंड मिस प्लेयर है, चलेगा तो भाई मतलब ऐसी पारी खेलेगा और नहीं चलेगा तो भाई 5 रन पर 2 रन पर ऐसे भी आउट हो जाता है, ठीक है, हिट एंड मिस वाला प्लेयर है भाई ये। और इसके अलावा भाई बात करें मणिकांत रानी में कहा कि तो दोनों मैचेज में कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं, पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं की, दूसरे मैच में इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं। शेखर मुट्टम सेट्टी की बात करें तो 2 मैच में 1 विकेट निकाले, तो इसके अलावा भाई तिरुपति सेंडी रेड्डी की बात करें 2 मैच में 1 विकेट निकाले, आर नरेला की बैटिंग बॉलिंग नहीं आई, सुरेश कुमार ने 1 मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में बॉलिंग की नहीं, और इसके अलावा ए पटेल की बात करें तो इनकी भाई बैटिंग बॉलिंग नहीं आई। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, जवाद शाह मोस्ट इंपॉर्टेंट, उमेर शाह मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नासिर अहमद इंपॉर्टेंट, और यासिर श्रीनिवास अगरकेला इंपॉर्टेंट, राजशेखर पोलोरी ठीक ठाक प्लेयर है, ठीक है। इसके अलावा बात करें ऐसे तो इसके अलावा भाई कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को लगे नहीं, ये आप इन्हें सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम के रहने वाले हैं। अब भाई मैं आपको एक डेमो टीम देने वाला हूं जो 2-3-4 मेंबर के लिए रहने वाली है, तो डेमो टीम आप जरूर ध्यान से देख लेना, और भाई इसकी जो फाइनल अपडेट है ना वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहां से भाई आपके ऊपर आप नसीर अहमद के साथ जाना चाहो या सचित्रा थरंगा के साथ, देखो अगर आपको सेफ जाना तो आप सचित्रा के साथ चले जाओ, थोड़ा रिस्क लेना तो आप नसीर के साथ जा सकते हो, मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ और ऐसे क्रेडिट भी थोड़े मैनेज हो जाएंगे तो मैं नसीर के साथ जा रहा हूँ। इसके अलावा बात करें तो बीएलसीएस कुमार को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, उमर शाह हमारी टीम में रहने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे बात करें तो रोशन श्रीवर्धन हमारी टीम में रहेंगे, और इसके अलावा अगर बात करें तो एस कुमार को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, सुरेश कुमार को, आप चाहो तो बीएलसीएस कुमार को ले सकते हो, बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है बीएलसीएस कुमार, अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई मैं यहाँ पर सुरेश कुमार के ऊपर रिस्क ले रहा हूं, ठीक है। जवाद अली शाह की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला, चमल सदुन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसके अलावा राजशेखर पोलूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और एस अगरकेला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चारों ऑलराउंडर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यहां से अगर बात करें तो
कमल रियाज इंपोर्टेंट है और यहाँ से आर जयाकोडी इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से भाई 8 पॉइंट में आपको दमित प्रियंता और एस मपालगल समित मपाल गामा मिलेंगे, तो मैं समित मपाल गामा को ले रहा हूँ। इसके अलावा भाई तिरुपति सैंडी रेड्डी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट के 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई। इसके अलावा भाई शेखर मुठमजेट्टी भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन भाई क्रेडिट इशू की वजह के चलते हम इन्हें नहीं ले पाएंगे। अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन भाई यहाँ पर मैं जवाद अली शाह को बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन भाई मैं यहाँ से चमन सदून को बना रहा हूँ, आप इनको रिवर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो भाई उमर शाह काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन का, रोशन श्रीवर्धना काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन का। तो ये भाई मेरी फाइनल टीम होने वाली है, बाकी भाई ये मैच जैकपॉट होने वाला है मैं गारंटी ले रहा हूं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस मैच में आई इन्वेस्टमेंट हमें करनी है और ये मैच हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो ये हमारी फाइनल टीम होने वाली है। अगर आप चाहो तो आप एक दो चेंजेस कर सकते हो, लेकिन भाई उसमें फिर आपको क्रेडिट इशू आएगा। सुरेश कुमार की जगह पर आप बीएलसीएस कुमारा को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें नीचे बॉलिंग सेक्शन की, तो यहां से भाई आप स्मिथ मपालगामा की जगह पर आप मतलब जैसे तिरुपति सैंडी रेड्डी या शेखर मुठमजेट्टी को ट्राई कर सकते हो, लेकिन वहां भी क्रेडिट इशू आपको आ रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। कैप्टन वाइस कैप्टन को आप रिवर्स कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ से उमर शाह और रोशन श्रीवर्धना, ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन के काफ़ी अच्छे चॉइस है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये कुछ चेंजेस है जो आपको करने चाहिए और आप करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। और ग्रैंड लीग में भी भाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन ये चार ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक हमारी डिसेंट सी टीम बन गई है, इस टीम को आप सेव करके अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख सकते हो। बाकी जो फाइनल अपडेट होगी वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।